हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज देखिए मैं आपको एक 27x37 फीट में बना हुआ एक छोटा सा खूबसूरत सा प्लान दिखाना चाहता हूँ। टोटल प्लॉट साइज 40x50 है। कंस्ट्रक्शन एरिया जो है 27x37 में कंस्ट्रक्शन एरिया है। देखिए वीडियो को शुरू से अंत तक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम पर शेयर कर दीजिए। ये जो है ईस्ट फेस का प्लॉट है। सो करीब करीब 30x30 मतलब 900 स्क्वायर फीट में आप इस तरह का 2BHK बांध सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा जगह रहा ऑफसेट एरिया वैसा। जैसे कि स्टेयरकेस दिया गया एंड यहाँ पर जो है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ दी गई है। स्टेयरकेस के नीचे सेपरेट टैंक आप इजीली ले सकते हैं। 3 फीट + 3 फीट यानी कि 6 फीट का हो गया। एंड यहाँ पे सिट आउट के लिए जगह है 12 फीट 9 इंच बाई 14 फीट। फिर यहाँ से एंटर हो गया आप लिविंग हॉल। लिविंग हॉल का साइज़ आपको मिल रहा है 12x16 फीट। तो यहाँ सामने LED यूनिट, TV रखने के लिए जगह, ये है सोफा सेट। यहाँ पे आपका मेन डोर आ जाएगा और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डोर दिया गया बिकॉज विंडो के बदले डोर दिया गया बिकॉज वहाँ पर जगह काफ़ी है ना, तो उसकी वजह से। फिर देखिए व्यूअर्स, यहाँ से आप एंटर हो गए किचन के अंदर। किचन का साइज़ आपको मिल रहा है 9x10 फीट। किचन एल शेप में, आप चाहे तो वहाँ पे यूटिलिटी के लिए जगह ले सकते हैं। एक डोर दिए तो भी आपको सफिशेंट जगह मिल जाएगा। एंड किचन डाइनिंग कंबाइंड रहना चाहिए, उसके बीच में कोई पार्टीशन वॉल नहीं आना चाहिए। तो डोर डाइनिंग एरिया में लिया गया सही है बिकॉज वहाँ से आप यूटिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किचन और डाइनिंग एरिया के बीच में कोई ऐसा पार्टीशन वॉल नहीं लेना चाहिए, लिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। एंड पूजा रूम 3 फीट 6 इंच बाई 6 फीट में पूजा रूम। और फिर देखिए दोस्तों, यहाँ से आप एंटर हो गए, यहाँ पर टॉयलेट रूम दिया गया है 8 फीट 6 इंच बाई 4 फीट। एंड वहाँ से सामने मास्टर बेडरूम 13x11 फीट। ये टॉयलेट रूम के लिए जगह है 8 फीट 6 इंच बाई 4 फीट। टॉयलेट रूम का साइज़ जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है मास्टर बेडरूम, और रूम का साइज़ सफिशेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, रूम का साइज़ जो कि काफ़ी सफिशेंट और स्ट्रॉन्ग है। इनफ स्पेस है, बड़े बड़े बना सकते हैं रूम्स वगैरह। एंड सेम यहाँ पर देखिए, इसको भी अटैच टॉयलेट रख लिया गया। ट्वेल्व बाई एलेवन फिट, हालांकि चिल्ड्रन बेडरूम तो मास्टर बेडरूम से ऑलवेज छोटा रहना ही चाहिए। तो चिल्ड्रन बेडरूम का साइज़ 12x11 फिट का। एंड टॉयलेट रूम का साइज़ जो है 8x44 फिट। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, विंडो साइज़, वेंटिलेटर साइज़ कितना लेना चाहिए। तो व्यूअर्स देखिएगा, विंडो का साइज़ आप ले सकते हैं 4x4 फिट, 4 फिट विड्थ और 4 फिट लेंथ। एंड मेन डोर का साइज़ 5 फिट। वेंटिलेटर साइज़ 2x1.5 फिट का ले सकते हैं वेंटिलेटर। और 2 फिट का वाइड पैसेज एरिया एंड 3 फिट का वाइड पैसेज एरिया दोनों तरफ दिया गया है। तो यार ऐसा था ये कंस्ट्रक्शन। एंड फिलहाल के लिए स्टूडियो में बस इतना ही। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको 1200 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल जाएगा। तो लगभग आपको पैसे चाहिए 20 लाख रुपीज़ तो चाहिए इस तरह का एक ब्यूटीफुल हाउस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। आपको पास भी कोई हाउस प्लान है तो सेंड कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सअप नंबर पर 8095615113। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग मी।